नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन चलाते हो, दोस्तों अगर आप भी फोन पे एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं या लमसम अमाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन से यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से आप जो है अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे SIP का मतलब होता है कि हर महीने यहाँ पे आप जो है अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यहाँ पे आप ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए, अगर आप हर 10 तारीख को यहाँ पे पैसे ऐड करना चाहते हैं, तो हर 10 तारीख को यहाँ पे आप जो है अपनी SIP कर सकते हैं, ताकि हर 10 तारीख को आपके अकाउंट में से यहाँ पे 100-100 रुपये यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, 100 रुपये के साथ में आप जो है बड़ी SIP भी कर सकते हैं। जैसे 500 रुपये अगर आप चाहते हैं, 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसकी आप SIP कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है लमसम भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करता हूँ। आपको बताता हूँ कि पूरा प्रोसेस कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन में अपना जो है यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से यहाँ पे आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जितना भी अमाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन से अपने म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फोन पे एप्लीकेशन से यहाँ पे म्यूचुअल फंड में SIP करने के लिए या इस लमसम अमाउंट ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम का, लोन का, इंश्योरेंस का, वेल्थ का और हिस्ट्री का। तो यहाँ पे वेल्थ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वेल्थ वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना, और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहा है क्रिएट वेल्थ विथ SIP। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है स्टार्ट इन SIP। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ पे कुछ यहाँ पे फंड दिखाई देते हैं। सबसे पहले बेस्ट SIP फंड दिखाई देते हैं, टैक्स सेविंग फंड दिखाई देते हैं, 3-in-1 फंड है, स्टार्ट विद 100, यानी कि ये फंड आप जो है 100 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड है, ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनमें आप जो है 100 रुपये से अपनी जो है SIP स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप कंपनीज कौन कौन सी है, ट्रेंडिंग थीम्स कौन कौन सी है, न्यू फंड ऑफरिंग कौन कौन सी है, टॉप परफॉर्मेंस फंड कौन कौन से, ये सारे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है टॉप फंड इन फोकस, यानी कि टॉप फंड कौन कौन से अभी चल रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एक SBI कॉन्ट्रा फंड है, ये टॉप फंड यहाँ पे बता रहा है। एक क्वेंट फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके बाद HDFC लार्ज मिड कैप फंड है, इसके बाद पराग परिक फंड है, इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल फंड है। तो ये सारे टॉप फंड हैं, इन सब में आप जो है यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता है एक्सप्लोर और फंड्स का। तो यहाँ पे एक्सप्लोर और फंड्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी कैटेगरीज के यहाँ पे फंड दिखाई दे देंगे। ऊपर यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर आपको डिविडेंड फंड्स देखने हैं, फ्लेक्सी कैप फंड देखने हैं, ये सारे जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे बैक आना है यहाँ पे, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख जाती है। लार्ज कैप फंड की भी कैटेगरी है, मिड कैप फंड की भी है, स्मॉल कैप फंड की है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, गोल्ड भी है, इंडेक्स फंड भी है, वैल्यू फंड भी है। ये सब आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे SIP स्टार्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 100 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्ट विथ 100। तो यहाँ पे स्टार्ट विथ 100 पे आपको क्लिक करना है, यानी कि 100 रुपये से यहाँ पे आप जो अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टॉप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट विथ जस्ट 100। इसमें आपको हाई ग्रोथ मिल जाता है, नो लॉक इन है, इसमें कोई लॉक इन नहीं है, और यहाँ पे जो आइडल फॉर 3 ईयर्स, यानी कि आप लॉक इन नहीं है, मतलब आप कभी भी इसमें जो है पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कई म्यूचुअल फंड में आपको लॉक इन मिलता है, जैसे उसमें आपको कई म्यूचुअल फंड में आपको 1 साल के लिए या 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, लेकिन इन फंड्स में आपको जो है पैसा इन्वेस्ट करना कभी भी कोई लॉक इन नहीं है, यानी कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप कभी भी इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ फंड्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे HDFC फ्लेक्सी फंड है, इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल फंड है, एक्सिस ग्रोथ वाला फंड है, इसके बाद ये टाटा वाला फंड है, आदित्य बिरला वाला फंड है, और यहाँ पे ऑल सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं किसी कोई भी फंड को यहाँ पे प्रमोट नहीं या स्पॉन्सर प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की रिसर्च करें, खुद की रिसर्च अच्छे से आपकी कंप्लीट करें, खुद अपने फंड मैनेजर से बात करें या खुद की पर्सनल रिसर्च करें, उसके बाद ही आप पैसे इन्वेस्ट करें। ये म्यूचुअल फंड का जो ये जो होता है जो प्लेटफॉर्म है, काफ़ी कभी कभी जो है काफ़ी रिस्की भी होता है, काफ़ी रिस्की भी होता है, मॉडरेट भी होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद की रिसर्च करें, रिसर्च करने बाद ही यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको फंड्स के बारे में बता दिया। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये HDFC फ्लेक्सी फंड है जिसमें आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको इस वाले फंड में अपनी SIP चालू करनी है, तो देखिए दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स में इसने 25.11%, यानी कि 25% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में 20% का रिटर्न दिया है, और सिंस लॉन्च के बाद इन्होंने इस वाले फंड ने 19% का रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है SIP 100 वन टाइम SIP यानी कि स्टार्ट SIP। तो यहाँ पे आप जो है SIP 100 रुपये से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का साइज क्या है, देखिए फंड का साइज है 54,692 करोड़ यानी कि 54,000 करोड़ से ऊपर का ये फंड साइज है, यानी 54,000 करोड़ लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये फंड लॉन्च हुआ था 24 दिसंबर 1994 लॉन्च हुआ था। लॉक इन 0 है इसका, यानी कि आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तीन साल तक आपको पैसे यहाँ पे रखने पड़ेंगे या 3 साल तक 5 साल तक पैसे रखने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी इसमें विड्रॉल इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। रिस्क दे आप देख सकते हैं इसमें हाई रिस्क है, इक्विटी फंड है ये, और इसमें एक्सपेंस रेशियो है 1.48% का एक्सपेंस रेशियो है। ईवी क्या, ईआर क्या होता है, देखिए दोस्तों एक्सपेंस रेशियो होता है 1.48%, यानी कि ये जो पैसे हैं ये आप फंड मैनेजर्स को देते हैं, जो फंड को आपको मैनेज करते हैं उनके लिए ये जो है उनका परसेंटेज यहाँ पे जो है सभी फंड्स का अलग अलग होता है एक्सपेंस रेशियो। तो जिस फंड में जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है उस फंड में आप जो है उतना ही पैसा आप जो है फंड मैनेजर को यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जिस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो कम मिलता है उस फंड में अगर आप लगाएंगे तो वो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको रेगुलर भी मिल जाता है, इसका ग्रोथ प्लान भी यहाँ पे मिल जाता है। NAV आप देख सकते हैं इसका, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 100 रुपये, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि 100 रुपये से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। विड्रॉल चार्ज इसमें जो है 1% का विड्रॉल चार्ज है, ये आप देख लीजिए। इसमें विड्रॉल चार्ज तब लगेगा एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी कि आप जब ये फंड की जो वैल्यू लेते हैं फंड लेंगे आप, उसका जो है एग्जिट लोड 1% का आपका लगेगा इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पहले आप जो है इसको विड्रॉल करते हैं या 1 साल से पहले फंड को बेचते हैं, और देन आपको जो है इसका जो है एग्जिट लोड इसका लगेगा 1% का। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे आपको कैलकुलेटर हमें दिखाई देता है, तो कैलकुलेटर में देखिए ये आपको ऑप्शन ये दिखाई देता है मंथली SIP और वन टाइम SIP। ठीक है, मंथली SIP और वन टाइम, यानी वन टाइम का मतलब होता है लमसम अमाउंट, जैसे मान लीजिए अगर आपको लमसम अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है, आपको 2,000 रुपये इस फंड में डालना है या 5,000 रुपये फंड में डालना है या 10,000 डालना है 20,000 डालना है, जितना भी लमसम अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पीरियड हमें मिल जाता है, ये 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 7 ईयर्स का है, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने देखिए मंथली SIP आप कराते हैं, जैसे मान लीजिए आप 500 रुपये की SIP यहाँ पे कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपये की SIP यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप अपना अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 500 रुपये की कराने चाहते हैं या 100 रुपये की SIP कराना चाहते हैं मान लीजिए, या 200 रुपये की SIP कराना चाहते हैं, या 500 रुपये की SIP आप 500 रुपये की SIP से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैंने 500 रुपये की यहाँ पे SIP यहाँ पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप जो है 100 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये से स्टार्ट नहीं करें, आप 100 रुपये की SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो है 500 रुपये की अभी वैल्यू ले लेता हूं, तो 500 रुपये की अगर जैसे मान लीजिए 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे जो अगर यही कंपैरिजन अगर FD के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये जो है टोटल आपको कुल मिला के जो अमाउंट हो जाएगा वो 25,905 रुपये का अमाउंट हो जाएगा 3 साल के बाद, फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तीन साल के बाद यहाँ पे जो अगर 500 रुपये की अगर आप SIP करते हैं हर महीने, तो ये जो अमाउंट है आपका 25,905 रुपये का अमाउंट हो जाएगा अगर 25% के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का है ये रिस्की होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी जो आपका पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर रिटर्न, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहा है यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर रिटर्न, तो ये रिस्की होता है। आप खुद की रिसर्च करिए, खुद का म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए, या फिर आप अपने फंड मैनेजर से बात कीजिए, या खुद की रिसर्च करिए, तभी जो है इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है अब यहाँ पे अगर आप 500 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो टोटल आपका यहाँ ये अमाउंट इतना हो जाता है। अगर FD से कंपैरिजन करते हैं तो FD में आपका 19,870 अगर 6.55% की FD के से कंपैरिजन करते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो SIP करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड टू इन्वेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ये बोल देगा देखिए मंथली SIP है, वन टाइम है। अगर जैसे वन टाइम में भी अगर आप वन टाइम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए 3 साल में आपको जो है 25% के हिसाब से 9,791 जो है इसका टोटल यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। और यहाँ पे सी मोर वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और आप जो है इसकी कैलकुलेटर यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ पे कंफर्म चेक कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है यहाँ पे मंथली SIP यहाँ पे मैं लगा देता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैंने 520 रुपीज़ की यहाँ पे मंथली SIP यहाँ पे लगा दी है इस वाले में, और देखिए दोस्तों ये जो है टोटल यहाँ पे जो है थ्री इयर्स के यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ पे आप जो है कभी भी लॉक इन इसका नहीं है, कभी भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। बस इसका एग्जिट लोड आप देख सकते हैं, एग्जिट लोड आप पढ़ लेना, 1 ईयर से पहले पहले अगर आप एग्जिट करते हैं तो 1% का तो उसका जो है 1% का आपको एग्जिट लोड लगता है। तो इसके बाद नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इन्वेस्ट नाउ वाले बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा एंटर योर पैन नंबर, तो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना आपको। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड नंबर यहां पे डाल देता हूं। तो यहां पे देखिए मैंने जो है अपना पैन कार्ड नंबर यहां पे डाल दिया और लेट्स बिगिन वाले ऑप्शन पे यहां पे क्लिक कर दिया है। लेट्स बिगिन वाले ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहां पे जो है थोड़ा लोड होता है और ये जो है आपका अकाउंट क्रिएशन यहां पे हो रहा है फोन पे एप्लीकेशन में। तो फोन पे भी आपका अकाउंट यहां पे बन रहा है। अब जो है आपको यहाँ KYC वेरिफिकेशन में करना है, ये बोलेगा एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ वियर डिजी लॉकर, तो ये बोलेगा आपको डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन विल हेल्प इन कैप्चरिंग एड्रेस एंड आइडेंटिटी डिटेल्स सीमलेसली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है अपना 6 डिजिट का पिन नंबर यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डाल देना है और OTP सेंड आएगा आपके आधार कार्ड पे, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है डिजी लॉकर का यहाँ पे आपको आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे भर के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे जो है आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दिया, ये भरने के बाद नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर दिया। अब क्या होएगा, अब UIDAI की तरफ से आपके पास जो है एक जो है यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया, OTP डालने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये बोलेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर विद डिजी लॉकर, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर है तो यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने अपना पिन यहाँ पे डाल दिया और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया। आपको भी जो है आपका पिन डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों डिजी लॉकर से आपका जो है आधार कार्ड और जो है आपका पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पे जो है वेरीफाई होते हैं, ये जो है इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे आपको अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है ताकि आपकी जो है वेरीफिकेशन यहाँ पे हो जाए। इसके बाद यहाँ पे जो है थैंक यू लिखा हुआ जाता है और यहाँ पे आपका जो है डिटेल्स यहाँ पे डिजी लॉकर के जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपकी फैच होती है। तो यहाँ पे फैच होने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये बोलेगा क्लिक फोटो, यहाँ पे आपको जो है एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने फोटो लगा दी है। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका KYC डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आपको नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। इसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, एनुअल इनकम डालना है, इसके बाद मैरिड स्टेटस डालना है और ये सारा डिटेल्स आने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करना है आपका। तो ये सारी डिटेल्स मैं भर देता हूँ, भर के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने भर दी है। भरने के बाद नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये KYC का नेक्स्ट स्टेप आता है, 5th स्टेप आता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो है आपको ये सारी डिटेल भरने के बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपसे जो है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बताया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये बोलेगा एंटर द 5 डिजिट OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक 5 डिजिट का एक OTP आता है, तो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया और सबमिट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हो रहा है योर KYC इज सबमिटेड, जस्ट 1 स्टेप लेट, मैंडेटरी आधार ई साइन इज रिक्वायर्ड ऑन योर सबमिटेड KYC टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ई साइन की यहाँ पे KYC आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आधार पूरा फॉर्म आपका आ जाता है और यहाँ पे आपको बोलेंगे आधार ई साइन, तो ई साइन कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वैलिडेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक और जो है आधार साइन ई साइन का यहाँ पे आ चुका है, तो इसको आपको चेक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सेंड OTP में मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हो रहा है प्लीज डू नॉट क्लिक प्रेस सबमिट बटन वंस अगेन रिफ्रेश और बैक बटन, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया और वेरीफाई OTP वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए लिखा हुआ रहा है योर KYC इज सबमिटेड, ओके गॉट इट पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है म्यूचुअल फंड का यहाँ पे इन्वेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है।
इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा SIP अमाउंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने की भी आप SIP कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं 500 रुपये की SIP कर रहा हूँ, तो SIP अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, फिफ्थ तारीख को, यहाँ की 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पे मेरा SIP यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है मैं नेक्स्ट पेमेंट में क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेमेंट मेरी अगस्त की है, तो यहाँ पे जो है पेमेंट होगा वो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट मेरा कनेक्टेड हो चुका है, उसी बैंक अकाउंट से यहाँ पे जो है पेमेंट होगा। तो चलिए मैं इन्वेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जो है इसका पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टिंग सिक्योरली, और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 500 रुपये का यहाँ पे जो है SIP अमाउंट यहाँ पे जो है हो चुका है। अब देखिए दोस्तों मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको वेल्थ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, देखिए दोस्तों अब जो है अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको हिस्ट्री वाले बटन में क्लिक करना है। तो देखिए हिस्ट्री वाले बटन में जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों मेरा इन्वेस्टेड इन यहाँ पे आ चुका है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। तो देखिए दोस्तों ये 500 रुपये की यहाँ पे जो है SIP यहाँ पे की थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इज बिंग प्रोसीड बाय द HDFC, यूनिट्स विल बी एलोकेटेड बाय 27 जून। तो देखिए दोस्तों आज जो है डेट है, आज 23 जून है, तो 23 जून है आज, तो 27 जून तक यहाँ पे जो है मेरे को जो है यूनिट्स के यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और 500 रुपये की यहाँ पे SIP यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पे आप भी जो है यहाँ पे किसी भी फोन पे एप्लीकेशन की मदद से किसी भी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से 200 रुपये से यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी SIP। आपको जितनी भी अमाउंट की SIP करनी है, चाहे 100 रुपये की करनी है, चाहे 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की, जितनी भी अमाउंट की यहाँ पे आप SIP करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, तो हर महीने हमें यहाँ पे जो है SIP के यहाँ पे जो है पैसे यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे अकाउंट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 500 रुपये की मैंने SIP की, तो 500 रुपये ऑटोमेटिकली हर महीने यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप जो है फोन पे एप्लीकेशन में अपना जो है SIP यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इनफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है सुझाव नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इनफॉर्मेशन देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं हर महादेश मुझे बोलेनाथ।